हाय गाइस, मैं शालू आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक बहुत ही अच्छा फेस पैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। वैसे दोस्तों, हम अपनी स्किन का बाहर से जितना ख्याल रखते हैं, हमें उसे अंदर से भी हेल्दी रखने की जरूरत है। हमें एक अच्छी हेल्दी डाइट मेंटेन करनी चाहिए, हमें अच्छा वर्कआउट करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहे और हमारा स्किन अंदर से ग्लो करे। तब हम बाहर से जो चीजें भी यूज करेंगे वो हमें और अच्छा रिजल्ट देता है। तो चलिए हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुणकारी फेस पैक शेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो हम मार्केट में बहुत सारा फेस पैक अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं, लेकिन जो हम अपने घर में बनाते हैं वो चीज हमें बाहर मार्केट में नहीं मिल सकता। एक तो हम अपने घर में बनाते हैं तो शुद्धता पूरी रहती है, और दूसरा उसे हम अपने किचन के सामान से बनाते हैं और ऐसा कुछ भी उसमें यूज नहीं होता जो हमारे स्किन के लिए हानिकारक हो। तो चलिए आज हम बनाएंगे एक अच्छा सा फेस पैक जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा हो, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बनाते हैं फेस पैक। सो गाइज, फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए संतरे का छिलका, जिसे हमने सुखा लिया है अच्छे से, छिलका एकदम सूख गया है। हमें इसे मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है, इसका पाउडर बन जाए। तो हमने संतरे के छिलके को अच्छे से पीस लिया है, और फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए संतरे का पील, दही और हल्दी। संतरे में होता है विटामिन ई, जो हमारे स्किन को टोन करता है, दही सॉफ्ट करता है, और हल्दी तो शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबैक्टीरियल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संतरे का छिलका बिल्कुल अच्छे से पाउडर हो गया है। अब लिया है एक चम्मच दही यहाँ पर, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, और हल्दी। हल्दी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, यह टोन का काम बहुत अच्छा करता है। तो अब हम एक कटोरी में लेंगे दही, दही हमारे स्किन को एकदम सॉफ्ट बनाती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखती है ये। अब हम लेंगे आधा चम्मच संतरे का पाउडर, इसमें विटामिन ई होने की वजह से ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी थोड़ी सी, और कुछ इस तरीके से मिक्स होने के बाद इसका फेस पैक बना है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। ये सन टैन को बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। साथ में झाइयां, दाग, धब्बे सब हटाएगा। आप इसे चाहे तो अपने हाथों में, पैरों में नहाते टाइम यूज कर सकते हैं, हर जगह। ये सन टैन को रिमूव करता है, इसका प्लस पॉइंट है। ऑरेंज बहुत ही गुणकारी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें बाहर जितनी देखभाल करनी है उतना ही अंदर से भी करना है। हमें अपनी डाइट को मेंटेन रखना है। इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको।
और बाकी का बचा हुआ चाहे तुम अपने हाथ में, पैर में, गले पर, जहां भी आपको यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए हमें इसे लगाकर 20 मिनट तक इसे सूखने देना है, और जब ये सूख जाए तो हमें इसे तुरंत वॉश नहीं करना है, हमें इसे रब करना होगा। हम इसे 5 मिनट तक अपने चेहरे पर रब करेंगे ताकि इसके साथ जितनी भी हमारे फेस पर सन टैनिंग हो या जितना भी हो वो सब उसके साथ रिमूव हो जाए, उसके बाद इसका ग्लो आएगा। तो हमें इसे सूखने के बाद पहले रब करना होगा, उसके बाद हम नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश करेंगे और आप रिजल्ट देख सकते हैं, और आप तब उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे सूखने देते हैं 20 मिनट के लिए। अब आपके फेस पे लगाऊंगी मैं। सो गाइस तो अब हम इसे रब करते हुए अपने चेहरे से उतारेंगे बिल्कुल आसानी से। आप रिजल्ट देख सकते हैं। प्यारा सा ग्लो आया है चेहरे पर, आप देख सकते हैं रिजल्ट। अब हम इसे नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। अब मैं इसे वॉश करके आप लोग के सामने इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। चलिए वॉश करके आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कितना प्यारा सा ग्लो आया है, और बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा है मुझे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। तो ये फेस पैक आप भी ट्राई कर सकते हैं और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आज की मेरी ये ब्यूटी टिप्स पसंद आई हो, फेस पैक। तो चलिए अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और ब्यूटी टिप्स लेकर। तो अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।